हेलो फ्रेंड्स, पंडित रघुनाथ मुर्मू के बारे में इस वीडियो में जानेंगे किस प्रकार से इन्होंने संथाली ओलचिपी लिपि के आविष्कार को किया था। और ये जो है संथाली ओलचिपी लिपि के आविष्कारक भी हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि ओलचिपी लिपि के आविष्कारक कौन है, तो इनका उत्तर होता है पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो इस प्रकार क्वेश्चन जो है वह झारखंड के एग्जामों में JSSC, JPSC और विभिन्न एग्जाम जो होते हैं झारखंड सरकार के, उसमें इनके बारे में और ये जो लिपि के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक बहुत महान शख्सियत थे, महान व्यक्ति थे, जिन्होंने संथाली भाषा संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए, साहित्य भी लिखे। तो इसके बारे में जो जानकारी है उस चीज़ को हम लोग अभी जानेंगे। रघुनाथ मुर्मू का जन्म 5 मई 1905 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के डांडबूस नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम नंदलाल मुर्मू था। दोस्तों, रघुनाथ मुर्मू का जो जन्म हुआ था वह 5 मई 1905 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले, वहाँ पर एक गांव का नाम है डांडबूस, तो यहीं पर हुआ था इनका जन्म। और इनके पिता का नाम था नंदलाल मुर्मू। ये एक प्रसिद्ध लेखक, शिक्षक, विचारक और दार्शनिक, साथ ही साथ नाटककार भी थे। काम के दौरान ही इनकी रुचि संथाली साहित्य की ओर हुई। तो दोस्तों, ये एक प्रसिद्ध लेखक थे, शिक्षक थे, विचारक थे, दार्शनिक थे, नाटककार थे, और ये जो है इनकी रुचि हुई संथाली साहित्य की और संथाली संस्कृति की ओर हुई। ये जब अपना काम कर रहे थे तभी इनका रुचि साहित्य की ओर हो गया था। इन्होंने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को बनाए रखने के लिए और इसको बढ़ावा देने के लिए संथाली भाषा के साथ एक लिपि की ज़रूरत को समझा और लिपि की खोज के लिए कदम उठाए। इन्होंने जो है अपने जो संथाली सांस्कृतिक है, उसके जो विरासत है और उसके जो परंपरा है, उन चीज़ों को बनाए रखने के लिए और इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए, संथाली भाषा का भी विकास को किस प्रकार से करना है, ये सारी चीज़ों को समझा और संथाली भाषा के लिए एक अलग से लिपि की जो ज़रूरत है उस लिपि को भी समझ करके लिपि की जो खोज है उसके लिए इन्होंने आवश्यक कदम उठाए। 1941 यानी कि 1941 में ओलचिकी लिपि का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने किया। दोस्तों, ये जो लिपि की खोज के लिए कदम उठाए, तो उसके बाद में 1941 में इन्होंने ओलचिकी लिपि का आविष्कार कर दिया। ये जब काम कर रहे थे, काम के दौरान ही इन्होंने इस लिपि की खोज कर लिए थे, लेकिन इसको प्रकाशित करने में या तो फिर इसको आगे जो लाने में इनको 1941 का जो वर्ष है उस साल तक रहा। तो इसी कारण से ओलचिकी लिपि का आविष्कार कब हुआ है, तो यह 1941 में हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों, लिपि तैयार करते समय इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, क्योंकि इससे पहले कोई भी इस लिपि को तैयार करने के लिए जो है वह शुरुआत नहीं किए थे। तो इसी कारण से इनको लिपि तैयार करते समय बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो इन्होंने पूरी तरीके से प्राकृतिक या प्रकृति पर निर्भर हो गए, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसी कारण से ये पूरी तरीके से अब नेचुरल चीज़ों पर, नेचर पर ही डिपेंड हो गए। और वैसे भी आदिवासी जो होते हैं वह प्रकृति प्रेमी होते हैं, प्रकृति से इनका बहुत ज़्यादा लगाव होता है, प्रकृति से ये आदिवासी घुले मिले रहते हैं, तो इसी कारण से ये प्रकृति के साथ ही रहे और प्रकृति पर निर्भर हो गए। अब जो भी होगा वह प्रकृति को देखते हुए ही समझ में आएगा, उसी के आधार पर लिपि तैयार करेंगे, ये ऐसे सोच करके प्रकृति पर पूरी तरीके से निर्भर हो गए। दोस्तों, इन्होंने जो पहला अक्षर लिखा था संथाली जो लिपि में, वह धरती के स्वरूप के जैसा था। धरती के स्वरूप मतलब जैसे हम जानते हैं कि धरती किस प्रकार है, तो यह गोल है, तो इसी प्रकार से इन्होंने जो पहला अक्षर लिखा था वह ओत था। ये जो ओत है वह शून्य के आकार का होता है, तो ये आपको याद रखना है कि इनके द्वारा जो लिपि का आविष्कार किया गया था उसमें जो पहली अक्षर जो थी वह थी ओत, और यह धरती के स्वरूप जैसा था, तो मतलब जीरो के आकार के जैसा था। इनका प्रसिद्ध संथाली भाषा में उपन्यास का नाम है विदू चांदन। तो विदू चांदन जो है ये इनका प्रसिद्ध संथाली भाषा में लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास के अलावा 150 से अधिक संथाली भाषा में इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, उसमें व्याकरण, उपन्यास, नाटक, कविता आदि हैं। तो इन्होंने जो है 150 यानी कि 150 से भी अधिक पुस्तकें संथाली भाषा में लिखी हैं, संथाली लिपि में, और उसमें से
व्याकरण, उपन्यास, नाटक और कविता हैं। दोस्तों, इन्होंने संथाली भाषा, साहित्य और लिपि के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और योगदान बहुत ज़्यादा दिए। तो इन्होंने जो है संथाली भाषा के जो साहित्य है, उसका जो लिपि है, उसको किस प्रकार से विकसित किया जाए, उसके लिए इन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इनका जो योगदान रहा वह बहुत ज़्यादा रहा। तो इन्हीं सभी कारणों से इन्हें मयूरभंज आदिवासी महासभा ने गुरु गोमके की उपाधि दी। तो इतने ज़्यादा इन्होंने संथाली भाषा को लेकर के, संथाली साहित्य को लेकर के, संथाली लिपि को लेकर के किया, तो इसी कारण से उड़ीसा के जो मयूरभंज के आदिवासी महासभा है, उन्होंने इन्हें गुरु गोमके की उपाधि दी। और गुरु गोमके का अर्थ होता है महान शिक्षक, तो महान शिक्षक की उपाधि इन्हें आदिवासी महासभा जो कि मयूरभंज के हैं वहीं से मिला। बाद में इनके महत्वपूर्ण योगदान पर इन्हें पंडित की उपाधि दी गई, तब से इन्हें पूरी तरीके से पंडित रघुनाथ मुर्मू कहे जाने लगे। लेकिन फिर भी बाद में इनका जो योगदान रहा, इन सारे योगदान को देखते हुए इन्हें पंडित की उपाधि दी गई और तभी से इनका नाम पंडित रघुनाथ मुर्मू हो गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। महान व्यक्ति पंडित रघुनाथ मुर्मू 1 फरवरी 1982 को हम सबों को छोड़कर इस धरती से विदा हो गए। तो दोस्तों, इनका जो देहांत हो गया वह 1 फरवरी 1982 को हो गया। तो ये एक महान शख्सियत थे जिन्होंने संथाली भाषा, संथाली साहित्य को, संथाली लिपि के लिए जो ओलचिकी लिपि है उसका आविष्कार किया। और बाद में ये 1 फरवरी 1982 को धरती से हमेशा के लिए विदा हो गए। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 5 मई 1905 को हुआ था, वो साथ ही साथ इन्होंने जो है 1941 में ओलचिकी लिपि का आविष्कार हुआ। तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। और इन्हें जो है गुरु गोमके भी कहा जाता है, यानी कि महान शिक्षक भी कहा जाता है, और बाद में इन्हें पंडित रघुनाथ मुर्मू कहा जाने लगा।